यो, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में फोर वर्सेस फोर कस्टम रूम, जो कि अभी हाल ही में बहुत सारे गिल्ड्स एक साथ फोर वर्सेस फोर कस्टम रूम करते हैं, जिसमें भाई बहुत ही ज़्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो फोर वर्सेस फोर कस्टम रूम में कैसे विक्ट्री करते हैं वो ये करते हैं आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैरेक्टर स्किल। तो गाइस, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हर एक स्क्वाड मेंबर को हैकर आई, जो आपका एबिलिटी है मोको का, वो लेने को बोलो। क्योंकि अगर आप हैकर आई को लोगे तो आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका टीम में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, आप अच्छे से एक एनिमी को स्पॉट कर पाओगे। देखो इस सिचुएशन में, देखो मैंने इधर ग्लोअल लगाया, ग्लोअल लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर फायर किया, उसके ऊपर मेरा एरो शो कर रहा है, तो पूरा स्क्वाड मेरा वो एरो देख पाएगा एंड चाहे तो जाके उस बंदे को इजीली ख़त्म कर देगा। तो हमेशा हर एक स्क्वाड मेंबर के पास अगर ये हैकर आई हो तो आप इजीली एक पूरे के पूरे स्क्वाड को इजीली वाइप आउट कर सकते हो एंड विक्ट्री कर सकते हो। फर्स्ट राउंड का कौन सा गन आप लोगों को हमेशा लेना चाहिए, तो मैं फर्स्ट राउंड में हमेशा बोलूँगा A94 जो गन है वो प्लीज़ फर्स्ट राउंड में ले लो। क्योंकि अगर आप A94 गन लोगे, ज़्यादातर बंदे डिफ़ॉल्ट कॉइन 1500 रख के खेलते हैं, तो हमेशा एक ग्लोबल आप लोग ले पाओगे अगर आप A94 गन फर्स्ट राउंड में लेते हो तो। एंड अनलिमिटेड एमो रख के ही ज्यादातर बंदे खेलते हैं फोर वर्सेस फोर कस्टम रूम पे। ट्राई टू विक्ट्री फर्स्ट राउंड, क्योंकि अगर विक्ट्री अगर फर्स्ट राउंड अगर कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम इस मैच को बुइए कर सकते, इस मैच को जीत सकते हैं। तो हमेशा ट्राई करो, अपने स्क्वाड को अप्रिशिएट करो कि फर्स्ट राउंड हम किसी भी हाल में जीतेंगे। अगर हम फर्स्ट राउंड जीतते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा हम इस मैच को जीतने का। आप कभी भी एनिमी को नूब बिल्कुल मत समझना। आप लोग ज़्यादातर काम करते हो कि एनिमी सामने नूब है, हम इससे क्या होता है कि आपका जो स्किल्स है वो आप इजीली नहीं दिखा पाते। तो हमेशा कभी भी एनिमी को नूब मत समझो। देखो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, उस एनिमी को नॉक कर दिया और मैं उधर से भाग गया। मुझे लगा एनिमी नूब है, कुछ कर नहीं पाएंगे, बट इधर मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया। इस एनिमी ने उसको रिवाइव किया, उसके टीममेट्स ने उसको रिवाइव किया एंड उन्होंने मुझको ही ख़त्म कर दिया। तो कभी भी अपने जो एनिमी है उनको नूब मत समझो। देखो ये मेरे सामने से घूम रहा है, इसको मैं इजीली मार सकता था बट मैंने नहीं मारा, क्योंकि मुझे लगा कि ये नूब है, इन लोगों के सामने मैं अच्छा प्लेयर हूँ, इसीलिए तो मैं अपने स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। तो अब देखो रश फॉर डिप फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस। इधर देखो, मानो मेरा पूरा स्क्वाड बीच में है एंड अगर मेरे टीममेट्स का स्क्वाड चारों तरफ से एक साथ उसके ऊपर स्प्रे करता है तो क्या वो लोग बचेंगे? एक साथ अगर चारों तरफ से उनको पड़ी तो क्या वो लोग बचेंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप चारों तरफ से एक अच्छा पोजीशन लेके उनको ख़त्म कर पाओ, उनके ऊपर स्प्रे कर पाओ, तो वो लोग कभी भी बच नहीं पाएंगे एंड उधर आपका पूरा जो एनिमीज का स्क्वाड है वो वाइप आउट हो जाएगा। ऑलवेज रिवाइव योर टीममेट। गाइस, हमेशा एक अच्छा कवर बनाओ। अगर आपका कोई टीममेट जो है डाउन हो जाता है, देखो इधर मैं डाउन हो गया, मेरे टीममेट ने मुझे आसपास एक अच्छा सा ग्लोवल का शील्ड बना दिया एंड अनलिमिटेड ग्लोवल लेके ज़्यादातर बंदे खेलते हैं, तो इधर इसने अच्छा सा एक शील्ड बना लिया, मेरे लिए कवर बना दिया एंड इधर मैंने हील कर लिया, इसने मुझे रिवाइव कर दिया एंड मैंने अच्छे से हील कर लिया। अब मैं अगर चाहूँ तो मैच को जिता भी सकता हूँ एंड जीत, अगर मेरे अभी ज़्यादा एडवांटेज है हम लोगों के पास। ऑलवेज हील फर्स्ट इन गैप टाइम, मतलब मानो आपको पास थोड़ा सा टाइम हुआ। देखो इधर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद इधर देखो, यहाँ पूरा दोस्त बंदे हैं, दो बंदे को मैंने इधर ग्लोवल लगाया, ज़्यादातर बंदे अनलिमिटेड ग्लोवल लगा खेलते हैं तो हम भी ऐसे ही खेलते हैं। इधर देखो, इधर बंदा नॉक हो गया एंड मेरा HP देख सकते हो कम है एंड इधर मैंने अपने टीममेट को पहले रिवाइव दिया, उसके बाद मैंने हील भी किया, दोनों काम मैंने एक साथ कर लिए एंड मेरा हील भी हो गया, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला एंड उस टाइम में मैंने हील कर लिया। अगर मैं हील कर लिया अब मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। रश टुगेदर विद स्क्वाड, मतलब मानो सामने एक स्क्वाड जो है पूरा नॉक पड़ा है, मतलब तीन बंदे नॉक है, एक बंदा जो है मेरे टीममेट्स को तीनों बंदे को नॉक कर दिया। अब वो लोग बोल रहे हैं भाई ये बहुत डैमेज है, तू इधर आ जा इसको मार दे। देखो इधर मेरा टीममेट नॉक हो गया, उसने बोला कि भाई डैमेज है तू आ और इसको पूरा ख़त्म कर दे। मैं इधर गया और इसको पूरा ख़त्म कर दिया एंड हम लोग ने विक्ट्री कर दिया। तो हमेशा अपने स्क्वाड के साथ रश करो, वो लोग जब बोलेंगे तभी रश किया करो, डोंट बी अपसेट। आप लोग क्या करते हो, और आप लोग अगर एक दो गेम बार बार हार रहे हो, डिफीट हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, अपसेट हो
जाते हो कि नहीं हम जीत नहीं पाएंगे, हमारा स्क्वाड बेकार है, इन लोगों के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए था। तो जी बिल्कुल ऐसा कभी मत करो। बहुत बंदे तो ये भी करते हैं कि अपसेट होकर गेम छोड़ के चले जाते हैं, तो इधर ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, हम कभी भी आप लोगों को अपसेट नहीं होना चाहिए। पहली बात जो है, कभी भी अपसेट मत हो, क्योंकि अगर आप अपसेट हो जाओगे तो आपका पूरा स्क्वाड मतलब अपसेट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज आप प्लीज़ बी पॉजिटिव रहो, एंड अपने जो है स्क्वाड मेंबर्स उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको अप्रिशिएट करो। इससे क्या होगा, वो लोग जीतने का एक मोटिव रखेंगे कि नहीं ये बंदा बोल रहा है तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। ये अगर आपके मोटिव हुआ तो आप लोग जीतोगे ही गेम को। अगर आप लोग ये सोच के खेल दो कि नहीं हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है जीतेंगे ही जीतेंगे। तो हमेशा जीतने के ऊपर फोकस करो, ना कि हारने के ऊपर फोकस करो। कभी भी अपसेट मत हो, हमेशा पूरे स्क्वाड को अप्रिशिएट करो, हम लोग जीत सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज टेक बेस्ट प्लेयर्स, मतलब अगर आप स्क्वाड में बेस्ट प्लेयर्स को रखोगे तभी आप लोग जीत पाओगे। तो ऐसे प्लेयर्स आपको रखने होंगे जो कि आपकी बात सुनते हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप उधर उसको इधर आने को बोलोगे एंड वो इधर आ जाएगा। हमेशा ऐसे बंदों को रखा करो, एंड जो बंदे वन वर्सेस वन में एक्सपर्ट हो, मतलब एक बंदे को कम से कम वो लोग वाइप आउट कर देंगे, पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे ही बंदे हमेशा रखा करो अपने स्क्वाड में। एक बंदा कम से कम वो मार सकता है, ऐसे बंदे रखा करो। डोंट गिव चांस टू एनिमी, जब एनिमी को कभी भी चांस मत दो। एनिमी अगर एक चांस दोगे तो चांस पे डांस कर सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रखा करो। तो कभी भी एनिमी को चांस मत दिया करो। एनिमी नॉक है तो एनिमी नॉक को पूरा ख़त्म कर दिया करो, वरना उसके टीममेट्स उसको रिवाइव कर देंगे एंड आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो कभी भी एनिमी को चांस मत दिया करो, ओके। अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का हैंडल है @dontmatrix_gamer। तो इंस्टाग्राम पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, आप लोगों को अच्छे मेम्स मिलेंगे, तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कोई भी गिव अवे उधर नहीं होता एंड मैं कभी भी किसी को लालच नहीं दिखाता। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कभी भी किसी भी गिव अवे में मैं नहीं रहता। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, भाई बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, आपको मेहनत देखने की जरूरत नहीं, आप जो मेहनत से होता है वही देखा करो एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि मुझे लिटरली बोल रहा हूँ 3 घंटे लगे। एंड चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, पीस। Like,